हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों में। तो जैसा कि मैंने बताया था पिछले व्लॉग में, हम सोनीपत गए हुए हैं, तो ये वहीं की कुछ क्लिप हैं। जिस दिन हम आ रहे थे तो मेरी बुआ जी ने कहा कि पुदीना तोड़ के लाओ अपने लिए, जो कि घर में पीछे कुछ खाली जगह थी वहाँ पे बुआ जी ने उगाया हुआ था। तो बोला ये मीठे पानी का है, बहुत खुशबूदार है। तो हाँ, ऐसा ही था। तो हमने कुछ पुदीना तोड़ा अपने लिए लाने के लिए। और यहाँ पे काफ़ी कुछ सब्जियाँ वगैरह उगा रखी थी, वो भी हमने तोड़ी। देखिए इतना फ्रेश पुदीना था ये। और ये है घिया। घिया बॉटल गार्ड यानी लौकी जिसे बोलते हैं, कुछ लोगों को सच में ही नहीं पता, जो बस मॉल से सब्जियां खरीदते हैं और उनको नहीं पता कि वो कैसे उगाई जाती हैं। तो ये घिया की बेल है, पहले इस पे वाइट फूल आते हैं और फिर ऐसे ये घिया बन जाते हैं और फिर 4-5 दिन के बाद ही ये तोड़ने लायक हो जाते हैं। और ये होती है तोरी। ये जो येलो फूल दिख रहे हैं ना, ये होती है तोरी। और इस फूल से फिर तोरी बन जाती है। और ये घिया तोरी की बेलें हैं और पुदीना है। हमने सब्जियां तोड़ी यहाँ से और मेरी बुआ ने कहा कि नहीं, लेके जानी है, ये मीठे पानी की सब्जियां हैं, बहुत टेस्टी बनेंगी। तो हमने अपने लिए सब्जियां तोड़ी और जिस दिन हम आ रहे थे सुबह वहाँ से, ये उसी दिन का कुछ मैंने शूट करा था थोड़ा सा, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। और जिस दिन हम गए थे, जाते ही चाय नाश्ते के बाद हम मार्केट के लिए निकल पड़े घेवर लेने के लिए। घेवर एक मिठाई होती है, वो मैं अभी दिखाऊंगी आपको। और यहाँ की मार्केट है उसे बोलते हैं कच्चे क्वार्टर की मार्केट। और हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कच्चे क्वार्टर, जबकि कहीं कोई कच्चे क्वार्टर नहीं है, बस ये नाम ही फेमस हो गया है यहाँ की मार्केट का। और कच्चे क्वार्टर की मार्केट में हम निकल पड़े हैं घेवर लाने के लिए। और ये एक ही पुल बना है यहाँ, जैसा सोनीपत हमने बचपन में देखा था, ये आज भी वैसा का वैसा है। बस ये एक पुल बना है और ये भी इतना तंग बना दिया है कि लोग इसे खुश नहीं हैं बिल्कुल भी। वरना सोनीपत जैसा बचपन में देखा था वैसा ही आज है, उसमें कोई तरक्की नहीं हुई है किसी भी तरह से, जो जैसा पहले था वैसा का वैसा आज है। लेकिन यहाँ पे मार्केट में हर ब्रांड की चीज़ें आपको मिल जाएंगी और बहुत अच्छी मार्केट है, लेकिन सुविधाएं नहीं है, पार्किंग वगैरह की सुविधा नहीं है। और ये है आरके स्वीट्स, इतनी फेमस शॉप है, इतनी अच्छी मिठाइयाँ हैं यहाँ की। और यहाँ के ये जो समोसे हैं ना, अगर मैं 2 खा लूँ तब भी मुझे कुछ नहीं होता, जबकि अगर मैं समोसा खा लूँ तो मुझे एडमिट ही होना पड़े बिल्कुल, क्योंकि मेरा पाचन तंत्र बहुत ख़राब है। लेकिन यहाँ की मिठाइयाँ और इतनी अच्छी होती हैं कि वो बिल्कुल नुकसान नहीं करती, मुझे नहीं पता क्यों। और यहाँ जब भी हम जाते हैं तो यहाँ से मिठाइयाँ ज़रूर लेते हैं, और बुआ के घर में भी यहीं से मिठाइयाँ नमकीन वगैरह जाती हैं। अगर आप लोग सोनीपत जाते हैं तो यहाँ से मिठाइयाँ ज़रूर लें, बहुत अच्छी मिठाइयाँ हैं यहाँ की। और जो घेवर होता है वो साल में बस एक महीने के लिए ही होता है, ये ऐसी मिठाई नहीं है कि इसको कभी भी खरीद लें। जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता रही हूँ ये बात, कि ये ऐसी मिठाई होती है कि साल में बस ये 1-1.5 महीने के लिए, 1 महीने के लिए ही होती है सावन में, फिर नहीं मिलती बाद में, ये होता है घेवर। और मुझे बगैर खोए वाला ही सिंपल वाला पसंद है, तो मैं वो ही लेके आई हूँ आरके वाले से ही।
और ये होता है घेवर, जिनको नहीं पता मैं उन्हें बता रही हूँ। तो ये छोटा सा ब्लॉग था मेरा। हम वापसी के लिए हैं अब फिर से हरियाणा रोडवेज में। बुआ जी के साथ 2 दिन हंसी खुशी बिता के हम घर वापस आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा अपनी बुआ के साथ 2 दिन बिताना। बीमार रहती हैं, जब भी घबरा जाती हैं तो वो हमें बुला लेती हैं। भगवान करे हम यूं ही जाते रहें, यूं ही हमें बुलाती रहें। बहुत प्यार दिया है हमारी बुआ ने हमें। भगवान उनकी सेहत ठीक करे, उनको खुश रखें। तो बाय बाय दोस्तों, यही था मेरा छोटा सा व्लॉग। खुश रहें आप भी, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। बाय बाय।